गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकेंड, EVS, लेसन 6, लाइफ ऑफ एनिमल्स। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड ऑफ एनिमल्स, देयर फूड हैबिट्स एंड देयर हैबिटेट्स। ओके, वी स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट इसमें आपको ये आपको पजल सॉल्व करना है। आपको इसका फाइंड आउट द वे टू रीच एट हिज बोन। आपको यहाँ से इन सब से सॉल्व करना है कि ये जो ब्रूनो है अपनी बोन तक कैसे पहुँचेगा। ओके, नाउ टर्न योर पेज। वी हैव लर्न्ड दैट वी नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। लाइक अस, एनिमल्स टू नीड फूड टू लाइव, ग्रो एंड स्टे फिट। जैसे कि हमने पढ़ा कि हम लोगों को क्या है, जीने के लिए, बड़े होने के लिए और हेल्दी रहने के लिए हमको क्या फूड की रिक्वायरमेंट होती है। सेम एज इट इज़, एनिमल्स को भी लाइफ जीने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और फिट रहने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। देयर आर मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। दे लाइव इन डिफरेंट प्लेसेस एंड ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स, एनिमल आर डिवाइडेड इन टू डिफरेंट ग्रुप। लेट अस रीड अबाउट द काइंड ऑफ एनिमल्स, वॉट दे ईट एंड वेयर दे लिव। देखो, ये जो अर्थ है इस पर हमारी तरह बहुत तरह के, बहुत अलग अलग काइंड्स के एनिमल्स रहते हैं, और जो वो जहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग टू द प्लेस उनकी फूड हैबिट्स अलग होती है, उनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, उनकी फूड हैबिट्स अलग होती है, उनके हैबिटेट्स जो होते हैं घर, वो भी अलग होते हैं। तो उन सभी उन डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि वो जो एनिमल्स हैं वो कितने काइंड के, कितने प्रकार के होते हैं, वो क्या खाते हैं, उनकी फूड हैबिट्स क्या हैं और वो कहाँ रहते हैं, उनका हैबिटेट कैसा होता है। ओके, वी स्टार्ट। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, इसमें इस टॉपिक में हम उनकी फूड हैबिट्स जो हैं खाने संबंधी आते हैं उसको हम कंसल्ट करेंगे। फर्स्ट, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। सम एनिमल्स ईट ओनली ग्रास, लीव्स एंड प्लांट्स। दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोरस और हर्बीवोरस एनिमल। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, पेड़ की लीव्स खाते हैं और प्लांट्स खाते हैं। तो ये जो सारे प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं वो हर्बीवोरस कहलाते हैं। ओके, तो ये हर्बीवोरस एनिमल्स कौन कौन से हैं? लुक हियर, डियर, हिरन जो हमेशा घास खाता है, शिप्स हैं, गॉट हैं, काउज हैं, ये क्या है, हर्बीवोरस एनिमल्स में आते हैं। ये क्या है, बिल्कुल सिर्फ घास खाती हैं, हर्बीवोरस है ना, हर्ब्स को, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, ग्रास, यही सब खाते हैं। ओके, गॉट्स, काउस, बफेलो, रैबिट्स, डियर एंड हॉर्स आर हर्बीवोरस बिकॉज दे ईट वेजिटेबल्स एंड लीव्स। ओके, ये हर्बीवोरस। ओके, सम हर्बीवोरस लाइक हैंस ऑल्सो ईट ग्रेन्स। अब देखो, ये रैबिट है और ये हैन है, तो कुछ जैसे ये हैन है आपने देखा होगा तो, और कबूतर को भी देखा होगा, वो क्या करते हैं, दाने खाते हैं, ग्रेन्स है ना, तो ये भी हर्बीवोरस में ही काउंट होते हैं। ओके, फ्लैश ईटिंग एनिमल। फ्लैश मीन्स क्या होता है, मांस। दूसरे जानवरों का मांस खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहलाते हैं। सम एनिमल्स हंट एंड ईट अदर एनिमल्स फॉर फूड। दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोरस और कार्निवोरस एनिमल। तो अब देखो कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपना शिकार करते हैं दूसरे जानवरों को, और वो जो शिकार है उसी को वो खाते हैं, तो वो उस शिकार का मांस खाते हैं, इसलिए वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहलाते हैं। और उसका एक अदर नेम जो है वो है कार्निवोरस और कार्निवोरस एनिमल। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, वॉल्फ एंड चीता आर कार्निवोरस। द एनिमल्स दैट दीज कार्निवोरस हंट एंड ईट इज कॉल्ड अ प्रे। ठीक है, अब ये जो कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं, ये जिसका शिकार करते हैं, वो जो शिकार होते हैं वो चीज़, वो जो जानवर होते हैं, जैसे ये लोग किसका, डियर का शिकार करते हैं और काउ, गॉट इनका शिकार करती है, वो शिकार होने वाले एनिमल्स जो हैं वो प्रे कहलाते हैं। ओके, ओके, ओमनिवोरस। सम एनिमल ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ऑफ फॉर फूड। दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस। मंकी, बियर, क्रो आर ओमनिवोरस और ओमनिवोरस एनिमल। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और अदर एनिमल का फ्लैश होता है उसको भी फूड में यूज़ करते हैं, वो ओमनिवोरस कहलाते हैं। कौन कौन से हैं,
मंकी, बियर, भालू, क्रो। ठीक है, अब देखो ये जो मंकी है ये क्या करता है, ग्रेन्स भी खाता है, फूड भी खाता है। बियर जो है, भालू, ये क्या करता है, ये बियर और क्रो ये क्या करते हैं, ये सेल्फ इतने कैपेबल नहीं है कि ये शिकार कर सके, हैंड कर सके, लेकिन जब कोई मरा हुआ जानवर है तो उसका शिकार, उसका मांस ये खाते हैं, तो इसको ओमनिवोरस एनिमल कहते हैं। ओके, देखिए खाना है ये, इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट इज स्केवेंजर्स। द स्केवेंजर्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। वल्चर, हाइना एंड जैकल्स आर सम स्केवेंजर्स। ये स्केवेंजर्स कौन होते हैं, जो हमेशा मरे हुए, इसको अंडरलाइन करेंगे, डेड एनिमल्स जो होते हैं उनका फ्लैश यूज़ करते हैं। ओके, मींस क्या, ये शिकार करने में बिल्कुल कैपेबल नहीं होते हैं, ये ओनली फ्लैश खाते हैं, और ये फ्लैश किसका होता है, डेड एनिमल्स का। तो आपने वो जो देखा था ना लॉयन टाइगर, ये जिसका शिकार करते हैं और जिसको शिकार करके आधा खा के छोड़ देते हैं, शिकार करके छोड़ देते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो किसी बीमारी से मर जाते हैं, तो ऐसे जो डेड बॉडीज होती हैं उनका फ्लैश जो है वो ये स्केवेंजर्स ईट करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन से, वल्चर, गिद्ध, हाइनास और जैकल। ठीक है, ये स्केवेंजर्स के एग्जाम्पल हो गए। तो अब आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि फूड हैबिट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग, देखो प्लांट ईटिंग एनिमल जो होता है वो फर्स्ट वन, फ्लैश ईटिंग सेकंड, ओमनिवोरस थर्ड और स्केवेंजर्स फोर। तो फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग जो है हम फोर सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं एनिमल्स को। फर्स्ट वन इज़ प्लांट ईटिंग एनिमल, सेकंड वन इज़ फ्लैश ईटिंग एनिमल, थर्ड वन इज़ ओमनिवोरस एंड फोर्थ वन इज़ स्केवेंजर्स। नाउ एनिमल्स होम, अब हम यहाँ पढ़ेंगे उनके हैबिटेट्स के बारे में। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स होम। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ होम। लेट अस स्टडी अबाउट देम। जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग घरों में रहते हैं, और हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज होम्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल्स में क्या होता है, जिसको हम अपने घर पर पाल सकते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। जो फेथफुल एनिमल्स होते हैं ये इन डोमेस्टिक एनिमल्स की क्वालिटी की वो किसके, ह्यूमंस के लिए फेथफुल होते हैं। तो ये इनके डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज काउ, हॉर्स, डॉग, शिप एंड हैंस हैव स्पेशल होम। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, काउ, गाय, हॉर्स, घोड़ा, डॉग, शिप, भेड़ और हैन, इसके लिए हम स्पेशल होम अपने घर के बाहर बनाते हैं। और वो क्या कहलाते हैं, देखिए फर्स्ट पिक्चर में अ हॉर्स लिव इन स्टेबल। हॉर्स जो है स्टेबल में रहता है। सेकंड, अ डॉग लिव्स इन कैनल। डॉग जो है वो कैनल में रहता है। एक शॉट आपने वो आप देखते होंगे ना अपने कार्टून में, तो उसमें है ना आपने देखा होगा घर के पर एक छोटा सा वुडन जो घर बनाते हैं वो कैनल है डॉग्स के लिए। शीशी मारू का घर आपको याद होगा, कैनल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट अ हैन लिव्स इन कूप। हैन का जो छोटा सा घर होता है जो हम किसी टॉप पे बना देते हैं वो कूप कहलाता है ना। नेक्स्ट है अ शीप लिव इन अ पैन। ये इसको एक वुडन बाउंड्री से जो इसको एक एरिया को क्लोज कर देते हैं वो पैन कहलाता है। ये शीप का होम है। अ काउ लिव्स इन शेड। काउ जो है शेड में रहती है। ये इसका ओपन एरिया होता है और यहाँ पे ऊपर शेड है, तो काउ कहाँ रहती है, शेड में। और अ फिश लिव्स इन एक्वेरियम। ये पानी में रहने वाले पानी की जो जो होती है ना ग्लास की बॉक्स, उसको एक्वेरियम कहते हैं। ओके, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल है जिनको हम अपने घर में पाल सकते हैं। ये हमको बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाते हैं और हमारे लिए देखिए बहुत यूज़फुल होते हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन इज़ होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड मीन्स क्या होता है, जंगल में रहने वाले एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन नेचुरल शेल्टर्स लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड इन ओशन एंड सीज। ओके, तो अब देखो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ हैं, नेचुरल शेल्टर में, प्राकृतिक अपने शेल्टर्स में रहते हैं। और ये कौन से, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, जंगल में जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं वहाँ रहते हैं, ओशन में रहते हैं, समुद्रों में और सीज में रहते हैं, सागर में। ठीक है, देखो फर्स्ट वन इज, अब ये वाइल्ड एनिमल कौन सा है, टाइगर। क्या हम इसको अपने घर पे पाल सकते हैं, नो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो ये वाइल्ड एनिमल है, डेंजरस है हमारे लिए। तो ये कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है। और फॉरेस्ट में कहाँ रहेगा, डैन में, गुफा में। ओके, नेक्स्ट वन इज मंकीज। मंकीज लिव्स इन अ ट्री, पेड़ पर रहते हैं ये मंकीज। अ बियर लिव्स इन अ केव। बियर जो है वो भी केव में रहता है। ओके, ये डैन देखेंगे, डैन और केव में क्या डिफरेंस है, डैन जो होती है वो गहरी होती है, केव जो है छोटी होती है, गुफा। अ क्रोकोडाइल लिव्स इन स्वाप। क्रोकोडाइल जो है वो पानी की जगह पे, पानी की जगह के अंदर रहता है, मतलब डीप वाटर में नहीं रहता, शैलो वाटर होता है, थोड़ा
उसको कैसे उथला उथला सा पानी होता है, वहाँ पर क्रोकोडाइल रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी पानी से चल के ज़मीन पे भी आ जाते हैं और कभी कभी अपना शिकार भी करते हैं ह्यूमंस को। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी ऐसी जगह से दूर रहना चाहिए जो कि ज़मीन और पानी ज़्यादा डीप, आगे जाकर पानी ज़्यादा डीप है और आगे कम डीप है। रैबिट्स लिव इन बरोज, ये जो रैबिट हैं ये हमेशा बरोज में रहते हैं। बरोज मीन्स क्या होता है, बिल या छेद। दे डिग द ग्राउंड टू मेक देयर बरोज, अपनी जो ज़मीन होती है वहाँ पर वो एक सेफ पॉइंट देख कर वहाँ पर अपने बिल खोदते हैं और उसी में वो रहते हैं। बर्ड्स लिव इन ट्रीज, दे मेक देयर ओन नेस्ट एंड विथ स्ट्रॉ एंड लीव्स। ये जो बर्ड्स होती हैं वो पेड़ पर रहती हैं और उसमें अपना नेस्ट बनाती हैं, घोंसला। और ये जो नेस्ट है किसकी हेल्प से बनता है, स्ट्रॉस मीन्स लकड़ी के टुकड़े और लीव्स पत्तियों से, तो उसकी हेल्प से ये बहुत सुंदर अपना स्ट्रो बना नेस्ट बनाती हैं। ओके, दे लेज एग इन देयर नेस्ट टू कीप देम सेफ, और इस घोंसले को कब बनाती है, जब वो अपने अंडे देती है तो उस उन अपने जो बच्चों को सिक्योर करने के लिए वो पहले नेस्ट बनाती है और उसमें फिर उनकी सेफ्टी का ध्यान रखती है। तो यहाँ हमको क्या पता चलता है, होम जो है वो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट वन इज होम्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके कौन कौन से घर होते हैं। लेट्स रीड, इंसेक्ट सच एज स्पाइडर एंड बीज ऑल्सो हैव स्पेशल नेम फॉर देयर होम्स। स्पाइडर देखा होगा आपने, वो बनाता है जो जाल जाल बुनता है उसको हम वेब्स कहते हैं। ओके, तो ये स्पाइडर मैन जो होता है आपने देखा है ना, वो अपने हाथ से रेस निकालता है, तो ऐसे स्पाइडर जो होता है वो अपने जो एक ताना बाना बुनता है उसको वेब्स कहते हैं, जाल होता है जिसमें वो रहता है। ओके, बीस लिव इन बी हाइव्स, जो मधुमक्खियाँ होती है वो अपने छत्ते में रहती है उसको बी हाइव्स कहते हैं। ओके, और उसी में वो अपने अंडे देती है और शहद कलेक्ट करती है। ओके, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, डक्स लिव इन पॉन्ड एंड लैक्स, फिश लिव इन ओशन सीज लैक्स एंड पॉन्ड। अब देखो पानी में वाटर बॉडीज में रहने वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं, देखो फर्स्ट डक है वो कहाँ रहती है, पॉन्ड्स और लेक में रहती है, ज़्यादा डीप नहीं होगा पानी वहाँ पर, कौन रहेगी, डक्स रहेंगी। लेकिन फिश जो है वो ओशन सीज लेक और पॉन्ड सभी जगह रहती है, जहाँ पानी की गहरी जगह होगी तो भी रहेगी और कम पानी मीन्स क्या ज़्यादा डेप्थ में नहीं होगा उस जगह पर भी फिश रह सकती हैं। एनिमल्स सच एस क्रोकोडाइल एंड हिपोपोटमस स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर टू कूल देमसेल्फ ड्यूरिंग अ हॉट डे। अब आपने देखा होगा ये हिपोपोटमस है और क्रोकोडाइल है मगरमच्छ, आपने उनकी स्किन देखी होगी कितनी मोटी रहती है, तो उनको क्या है समर डेज में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो अपने आप को कूल रखने के लिए अपना मोस्ट ऑफ द टाइम है वो पानी में ही निकालते हैं। बाकी ये जो हिपोपोटमस है क्रोकोडाइल वो जमीन पर लैंड सर्फेस पर भी आ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फूड साइकिल। फूड साइकिल मीन्स क्या होता है, जो एक चेन होती है जिसमें ये सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे से रिलेट करती हैं उसको हम फूड साइकिल या फूड चेन भी कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड्स अपॉन ईच अदर फॉर देयर फूड एंड टू स्टे अलाइव, ओनली प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। अब देखेंगे हमारे जो एनवायरमेंट में सिर्फ प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती, बाकी प्लांट्स के अलावा इवन ह्यूमन बींग्स एनिमल्स बर्ड ये सभी एक दूसरे से आपस में रिलेटेड होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़ के खाने पे डिपेंड होते हैं, इसको एक फूड चेन बनाते हैं। द हर्बिवोरस ईट प्लांट्स, द कार्निवोरस ईट हर्बिवोरस, द ओमनिवोरस ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल, एंड द स्कैवेंजर्स ईट अदर एनिमल वंस दे आर डेड। देखो ये ग्रास है, ठीक है, जो ग्रास खाते हैं प्लांट्स खाते हैं वो हर्बिवोरस, हर्बिवोरस को मार के खाने वाले कार्निवोरस, ठीक है, और जो ओमनिवोरस होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट भी खा सकते हैं और ये फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स भी खा सकते हैं, वो ओमनिवोरस हैं। और स्कैवेंजर्स जो हैं वो हमेशा मरे हुए जानवरों को खाते हैं। तो ये जो एक दूसरे पर डिपेंड है ये एक फूड चेन बनाते हैं, इसको फूड साइकिल कहते हैं। ओके, अब पिक्चर चेक पॉइंट देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, अ हॉर्स लिव्स इन लाइव्स इन स्टेबल, ओके इस पर टिक करेंगे। अ लायन लिव्स इन डैन, अ रैबिट लिव्स इन बरो, ओके अभी देखेंगे। पिक्चर स्टडी, आइडेंटिफाई द पिक्चर, इसमें ये आपको क्या दिख रहा है, बी हाइव्स छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता बी हाइव्स कहते हैं इसको, सो राइट डाउन बी हाइव्स। कैन यू नेम द एनिमल दैट मेक इट, कौन बनाता है इसको, बीज, सो राइट या बीज। तो इससे लेसन आपका कंप्लीट हुआ, आपको इसकी रीडिंग करनी है और इसके जो हार्ड वर्ड्स हम इसको सेंड करेंगे उसको पढ़ना है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेसन दो दो बार पढ़ना है ताकि अगर अंदर से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। ओके।